हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हाउ टू कैलकुलेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। जो भी हम कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ सही है या नहीं है, उसके इम्पैक्ट वैल्यू के थ्रू हम जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट को करने से पहले कौन कौन से अपरेटस की रिक्वायरमेंट्स होती है पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ओवन मशीन चाहिए, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट चेक करने के लिए मशीन चाहिए, इम्पैक्ट मशीन, वेइंग मशीन, वेइंग बैलेंस मशीन, अपने एग्रीगेट्स का वेट को चेक करना तो उसके लिए आपको बैलेंस मशीन चाहिए। देन आई एस सी चाहिए आपको 4.5 mm का, 10 mm का और 2.36 mm का। इसके अलावा आपको सिलेंडर चाहिए जो कि यूज़ करते हैं इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट्स को फिल करने के लिए। देन एग्रीगेट्स के सैंपल्स चाहिए आपको, ठीक है ना। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि सैंपल को करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आप जल्दी से हम देख लेते हैं इसके प्रोसीजर के लिए कि कौन कौन से प्रोसीजर इसमें जो अप्लाई होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सैंपल को जो है ले लेना आपका, जो भी जितने भी ग्राम आप सैंपल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं 350 ग्राम सैंपल ले रहा हूँ, तो उस सैंपल को आपको 12.5 mm के सीप पर रख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें जो पास करा लेना है, ठीक है ना, 12.5 mm और 10 mm, ठीक है ना, दोनों सीप से इसको जो पास कराना है। पास कराने के बाद जो भी आपका रिटेन होता है, जो भी आपका रिटेन होता है 10 mm के सीप पर, जो आपका सैंपल रिटेन हो जाता है उस सैंपल को लेकर आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसको जो ओवन मशीन में आप उसे छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए, ठीक है ना। जो आपका सैंपल 10 mm सीप के ऊपर रिटेन होगा उस सैंपल को आप 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ओवन मशीन में, ठीक है ना, प्रॉपर। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है जो आप जो ड्राई करने के लिए सैंपल रख रहे हैं ओवन मशीन में, उस ओवन मशीन का जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। देन उस सैंपल को आपको फिल करना है सिलेंडर में 3 लेयर में, ठीक है ना। हर एक लेयर के बाद आपको 25 टाइम जो स्टॉक आपको टैंपिंग रॉड से आपको स्टॉकिंग देना है, ठीक है ना। 25 टाइम आपको एक बार में देना है, 3 लेयर में आपको सिलेंडर को फिल करना है, ठीक है ना। टैंपिंग होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से स्टॉक से उसको फिनिशिंग कर देना अच्छे तरीके से सिलेंडर के ऊपर। देन आपको जो है इसको, इस सैंपल को जो फिल करना है इक्विपमेंट सिलेंडर में, ठीक है, जो भी आपका इम्पैक्ट वैल्यू मशीन का जो सिलेंडर उसमें फिल करना है। देन उसमें जो प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है और उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर, उस सैंपल पे डालना शुरू करना है। और ध्यान रखना होगा आपको इम्पैक्ट डालने से पहले कि जो है आपको 15 सेकंड में कम से कम आपको 15 बार जो है उसके ऊपर, सैंपल के ऊपर आपको इम्पैक्ट डालना होगा, ठीक है ना। जब आपका प्रोसीजर जो है कम्प्लीट हो जाता है देन उसके बाद क्या करना है, सैंपल जो है सैंपल को लेकर आपको पास कराना है इसको 2.36 mm के जिस सीव के ऊपर, जो भी आपका सैंपल जो इम्पैक्ट वैल्यू डालने के बाद जो सैंपल आया उसको 2.36 mm के सीव से पास कराना है, ठीक है ना। जो भी आपके पास जो पास कराते हैं उसका जो पास होने के बाद जो भी आपका जो भी सैंपल होता है जो रिटेन कर दिया उसका अलग और जो पास हो गया उसका अलग, दोनों को आपको जो अलग अलग वेट आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सैंपल ले लेता हूँ कि इस प्रोसीजर को कैसे हमने करना है और इसके लिए कैसे इम्पैक्ट वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेट ऑफ सैंपल ले लिया 350 ग्राम। देन उसके बाद जो मैंने इसको 2.36 mm के सी पर से जो इसको मैं पास आउट कराया, देन ये जो रिटेन जो ऊपर रह गया सीव के ऊपर रह गया उसका वेट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया 280 ग्राम। और जो सीव के थ्रू जो पास आउट हो गया वेट ऑफ द एग्रीगेट पासेस थ्रू 2.36 mm, वो हमारे पास आ रहा है W3। यहाँ पे देखिए W1 हो गया आपका टोटल वेट जो आपने सैंपल का लिया था, W2 हो गया आपका जो वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन 2.36 mm ISC जो आपका रिटेन हो गया, और W3 हो गया वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू द 2.36 mm ISC, ठीक है। इस तरीके से आपने मान लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास W1 की वैल्यू 350, W2 की वैल्यू 280 और W3 आपने कैसे निकालना है। W3 के लिए आपको निकालना है W1 का टोटल वेट में से जो है आपका रिटेन वाला को माइनस कर देना है यानी W2 को, तो आपका रिटेन वाला आ जाएगा यानी कि 70 ग्राम आपका आ जा रहा है यहाँ पर W3 की वैल्यू जो कि पास आउट हो चुका है, ठीक है ना। सैंपल जो है 2.36 mm से जो है पास आउट हो गया वो कितना, 70 ग्राम। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, W3/W1 × 100, ठीक है ना। तो आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आ रहा है 20%, और 20% जो है ये बिल्कुल स्ट्रांग का सिंबल है, ठीक है। तो आपका मैं ये भी बता देता हूँ कि कितना इम्पैक्ट वैल्यू आने पर आपको यूज़ करना है और कब आपको यूज़ नहीं करना है। ये हमारे पास कुछ इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यदि आपका लेस देन 20 आता है, यदि आपके पास एग्रीगेट का इंपैक्ट वैल्यू लेस देन 20% आता है तो एक्सट्रीमली स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा है। यदि 10 से लेकर 20 के बीच में आता है देन स्ट्रांग है। यदि 20 से 30 आता है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ग्रेटर देन 35% आता है तो वो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है आपका कोर्स एग्रीगेट, वो कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और ये कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए सही नहीं है। तो आज की वीडियो का अपडेट फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आया होगा। फिर भी किसी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपका बहुत ही जल्दी दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।